जैसे कि देख सकते हैं कैसे हाथ फट गया और ये कई जगह फटा हुआ, उसके जो कांटे होते हैं ऐसे रगड़ते हुए उसके छिलके लग जाते। तो जो वेजिटेरियन होंगे वो ज़रूर यही कहेंगे कि कर्मों का फल तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटियास डेली लाइफ। और आज पापा आ गए, पापा मीन्स मेरे ससुर जी यहाँ पे आ गए। मैंने अपना ही ब्लॉग लगा के रखा हुआ है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं खुद से ही देख लूँ कि कहाँ मैंने कमी की है, कहाँ मैंने अच्छे से उसको शूट किया। तो पापा जैसा कि आए हैं, तो पापा के आने के साथ साथ एक और चीज़ें होती हैं हम लोग के यहाँ नॉर्मल जो कि नॉनवेज और मछली, मतलब मछली तो ऐसे कोई मार्केट जाता नहीं है, लेके आता नहीं है। तो तो हम लोग के यहाँ आई है आज सुबह सुबह मछली। तो पापा जितने दिन रहेंगे उतने दिन अलग अलग तरीके की फिशेज और ये मटन चिकन बनता रहता है। तो मुझे उतना मछली बनाने आता नहीं है, तो मछली जो है वो माही बनाती हैं। तो इसलिए मतलब जब भी पापा आते हैं तो थोड़ा सा मम्मी का ये काम बढ़ जाता है। तो एक्चुअली मैं ट्राई भी करना चाहती हूँ लेकिन माँ को लगता है कि अगर बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करते हैं हम लोग। तो अभी फ़ोन आ रहा है, देखते किसका। तो पापा की फेवरेट गाड़ी है जो वो ट्रेन गाड़ी है वो है कार गोदाम, जिससे कि वो हमेशा आते हैं, मतलब उसको कभी मिस नहीं करते और किसी दूसरी ट्रेन गाड़ी पर वो चढ़ना नहीं चाहते। तो अभी हम लोग चलते हैं उनके लिए एक पीस मछली भून देने, क्योंकि नाश्ते में वो खा लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग में माँ मछली नहीं खाती तो, और मैं भी बहुत कम ही खाती ये सारी चीज़ों से, मतलब उतनी यूज्ड हूँ नहीं मुझे जितना होना चाहिए, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। तो एक पीस मैंने धुल के जैसा कि देख सकते हैं तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हल्दी नमक लगा दिया है, तेल गर्म हो गया मेरा, फ्राई करेंगे, रोटी बनाएंगे, नाश्ता दे देंगे पापा को। और नाश्ता देने के बाद से देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या ऐसा स्पेशल रहता है। जैसा कि मछली बनाने का प्रोसेस हो गया है जारी, और वैसे मछली मैं भून रही हूँ और उसका मसाला मैंने सोचा कि इधर तैयार कर दूँ। तो मछली को धुल के उसमें हल्दी नमक लगा के फिर उसको फ्राई कर रही हूँ, और इस बार लगता है कि मैं ही बनाऊँगी, माँ बोली है कि बनाओ, तो देखते हैं कैसा होता है। और मछली धुलने में मेरा हर बार का ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है कि मेरे जैसा कि देख सकते हैं कैसे हाथ फट गया और ये कई जगह फटा हुआ, उसके जो कांटे होते हैं ऐसे रगड़ते हुए उसके छिलके लग जाते। तो जो वेजिटेरियन होंगे वो ज़रूर यही कहेंगे कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, बट ऐसा है नहीं कुछ, बहुत सारे लोग खाते हैं। क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है, जब भी मेरा हाथ फटता है तो मेरे मन में यही आता है कि अब जब भैया पाप कर रहे तो पाप का फल तो यही देना है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हो गई पापा की थाली तैयार। तो जैसा कि आज चॉकलेट डे भी है तो मुझे चॉकलेट मिला, बट वो स्पेशल चॉकलेट है। तो ये रहा मेरा चॉकलेट ये चॉकलेट नहीं है, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे चॉकलेट मिले, ये नेपाल से मेरे लिए लेके आए हुए थे, तो इन्होंने दिया हुआ नहीं था क्योंकि इनको तो कोई डे याद नहीं रहता, स्पेशली इनको कोई डे याद नहीं रहता, ना रोज़ डे ना प्रपोज डे, और ये सेलिब्रेट भी नहीं करती। एक बार की बात है, मतलब जब भी फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट या सेकंड टाइम मुझे भी ये भी अच्छे से, शायद फर्स्ट टाइम ही था, हाँ रोज़ डे पड़ा हुआ था। तो उस समय ये क्या कि कमांडो भी रोज़ लेके आए थे, तो ये भूल गए थे लाना, रात के 10 से 11 बज रहे थे, तो इनको पता चला कि कमांडो भी ने उनकी वाइफ को रोज़ दिया हुआ है, तो ये जाके उनके रोज़ में से एक रोज़ उठा के लेके आए, बोले कि मैं ख़रीद के लेके आया हूँ, और ये शायद उन्होंने इसका प्राइस 100 रुपीज़ बोला हुआ था ऐसा कुछ करके, मतलब मुझे तो इतना उल्लू बनाते हैं कि, लेकिन लास्ट में मुझे पता चल गया क्योंकि वो उनके रोज़ में से लास्ट में एक रोज़ मिसिंग था और वो मैंने उनके स्टेटस में देखा हुआ था। तो इस तरीके के कांड हमारे साथ ये वैलेंटाइन वीक में होते रहते। तो ये मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, तो इन्होंने छुपा के रखा हुआ था क्योंकि इनको पता था कि हाँ सामने महीने में, सॉरी इसी महीने में वैलेंटाइन डे आने वाला है और वैलेंटाइन डे वीक आने वाला है, तो इन्होंने बहुत सारा चॉकलेट आया था और जो कि रखा हुआ था। तो इतने सारे चॉकलेट्स हैं मेरे पास, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे चॉकलेट, मतलब इतने सारे चॉकलेट्स को मैं कभी नहीं ख़त्म कर पाऊँ, बट हाँ मुझे चॉकलेट्स पसंद है। और इसके साथ कैडबरी का सेलिब्रेशन भी है और डेरी मिल्क, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, और डेरी मिल्क सिल्क भी है, तो बहुत सारे चॉकलेट्स हैं मेरे पास दिखाने के चक्कर में इसको फिर दोबारा से अंदर रखना पड़ेगा।
और मैं सॉरी वेदू का ड्रेस दिखा नहीं पाई थी, तो मैं चल गई आपको वेदू का ड्रेस भी दिखाने। जैसा कि देख सकते हैं ये कैडबरी एक सिल्क है मेरे पास, तो ये भी मुझे आज ही मिला है। तो इस पे देख सकते हैं फ्रिज में रख के रखे ऐसे चॉकलेट, तो मैं सुबह से खा खा के परेशान हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। तो मेरे लिए तो जो चीज़ें आई थी वो तो आई है, मतलब आई थी नहीं, आई हैं, वो तो आई हैं। तो वेदू के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये उनका प्यारा सा एक शर्ट आया हुआ है फुल स्लीव का, उनके पापा को बहुत पसंद है ये चेक प्रिंट, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने लेके आया वो उसके लिए। बोल रहे थे शायद यहाँ अवेलेबल हो ना हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, मतलब मॉल वगैरह सारा देखा, बट वहाँ ऐसा कलेक्शन नहीं मिलता, इसलिए उनको वहाँ पर मिला तो वो लेके आया हुआ। जैसा कि ये देख सकते काफ़ी प्यारा प्यारा, मतलब इनका इनकी चॉइस इनकी पसंद बहुत प्यारी होती है वो किसी भी मामले में, जैसे कि वॉच के मामले में, गॉगल्स के मामले में, शूज़ के मामले में, ये परफेक्ट सबके लिए ये परफेक्ट ही चुनते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये है, उसके बाद से सारी चीज़ों के मामले में ये परफेक्ट है, मतलब क्या बोलूँ सर, मतलब मेरे ड्रेसिंग से लेके वेदू के ड्रेसिंग सारा चीज़ यही डिसाइड करते हैं। और जो अच्छा नहीं लगता, मतलब जो लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो जाहिर सी बात है वो मेरी पसंद होती। तो एक ये शर्ट है उनका जो आया हुआ, तो तीन शर्ट उनके आए हुए हैं, और इसका मैचिंग जो पैंट पैंट है वो दिखा दी, ये इस कॉटन में तो स्ट्रेचेबल है, ये आई एम ओके करके इनका एक ड्रेस आया हुआ। ये जीन्स है विथ मोजेस, और एक और जींस था शायद इनका, शायद मैंने छोड़ दिया वो कहीं, मैं लेके आती हूँ। और एक ये पैंट मतलब ये इनका बीच पे जाने वाला पैंट है, तो ये काफ़ी प्यारा लगा मुझे। मैं एक और जींस है जो मैं दिखाती हूँ आपको, और इनके गॉगल्स आए हैं जैसा कि देख सकते हैं, ये तो प्यारे से गॉगल्स है। एम आर पी इसका, मतलब वहाँ के एम आर पी और यहाँ के एम आर पी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वो बोल रहे थे सॉरी एम आर पी के बारे में छोड़ ही देते, बात ही नहीं करते। और ये वॉच आई है उनके लिए, देख सकते हैं। तो बाकी किसी के लिए शॉपिंग हो ना हो, वेदू के लिए अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है कहीं भी ये जाते हैं तो। और एक और है उनका वेदू का पैंट, में वो आपको दिखाती हूँ। वेदू की वो पैंट शायद मैंने कहीं मिस कर दी, मिस नहीं मतलब घर में ही कहीं मिस कर दी है, वो मुझे मिल नहीं रहा है शायद, मे भी ये है। हाँ ये रहा उसका ये जींस। हाँ बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए क्या ये अलग ही। हाँ तो वही रख दीजिए। तो पापा के लिए दूध आ गया, अब हम लोग चलते हैं चाय बनाने पापा के लिए, क्योंकि शाम में उनको एक कप चाय की ज़रूरत होती है 4 से 5 बजे के बीच में। तो अभी तो 5:30 हो गए, हम लोग बहुत ले रहे हो, तो चलते हैं उनके लिए चाय बनाने। हाँ ये हमको देख रही हैं, आप बनाइए हम आपको देख रहे हैं, मतलब वो मुझे वीडियो बनाते हुए देख रही हैं, बोल रही हैं कि जैसा कि देख सकते हैं छुप छुप के देख रही हैं। हाय फिलहाल शर्मा के चले गए, चलते चाय बनाने। तो जैसा कि आज चॉकलेट डे है, तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से इंजॉय करते हैं, दिन भर में कम से कम 50 चॉकलेट तो निपटा ही देते हैं भैया, होगा वेट गेन देखा जाएगा, कौन इतना सोचने जा रहा है। और एक चीज़ और करना है जो कि आपके लिए सरप्राइज़ था, मैंने बोला था कि वो चीज़ें मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो देने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग को प्री प्लान करना पड़ेगा, प्रेडिक्टिंग क्या है कैसा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।